नंबर वन, वेटिंग फॉर समथिंग। इस वीडियो को रस्टी नाम के एक पर्सन ने रिकॉर्ड किया था। रिसेंटली रस्टी ने एक नया ड्रोन परचेज किया था एंड इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था उसको टेस्ट आउट करने के लिए। बट उसके घर के आसपास काफ़ी सारे घर थे, इस वजह से उसने रिस्क नहीं लिया अपने ड्रोन को नेबरहुड में उड़ाने के लिए। एंड इसी वजह से वो अपने घर के बैक साइड में चला जाता है। एंड उसके घर के बैक साइड में ऑलमोस्ट बिल्कुल साथ में ही एक सेमेटरी थी जिसके अंदर रस्टी का ड्रोन चला जाता है। एंड जब ऐसा हुआ उसके ड्रोन कैमरा में भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया था विच वॉज इनक्रेडिबली स्केरी। अचानक एक मिस्ट्री सी स्पिरिट उसके सेमेट्री के एक ग्रेव के आगे खड़ी हुई नज़र आती है उनके कैमरा में। एंड रस्टी के ड्रोन के आते ही काफ़ी तेज़ी से वो उस जगह से भी चली गई थी। बट क्या सच में वो चीज़ उस सेमेट्री में भटकती हुई कोई स्पिरिट थी? अपने ओपिनियंस भी जरूर शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। नंबर टू, The Undead Patients। ये वाले वीडियो क्लिप टक्कर नाम की एक पर्सन ने शूट करी थी एक ऐसे हॉन्टेड हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर कहते हैं कि कुछ डेड पेशेंट्स की स्पिरिट लॉक अराउंड करती है। कुछ ऐसे स्पिरिट्स जिनको अनफॉर्चुनेटली उस जगह से निकलने का अभी तक कोई भी रास्ता नहीं मिला है और इसी वजह से यहाँ पर अक्सर स्टाफ एंड विजिटर्स को काफ़ी क्रीपी एंड स्केरी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। एंड कभी कभार तो ब्लैक शेडोज एंड ब्लैक फिगर्स भी उनको नजर आना शुरू हो जाती थी। एंड टक्कर भी जब इस हॉस्पिटल में किसी काम के लिए आई हुई थी तब एक रात उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। I heard something up there. I heard a voice. I'm not kidding you. I heard a voice. Look at that chair. I heard something up there. क्या आप वो नोटिस कर पाए? अचानक उनको अपने कॉरिडोर में से एक अजीब सी वॉइस आती है जिसको एक्सप्लेन कर पाना वॉज ऑल्सो प्रिटी टफ। लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर एंड नहीं हुआ था। नेक्स्ट नाइट वो फिर से गई हुई थी उस हॉस्पिटल में, तब सीधा सीधा एक ब्लैक स्पिरिट उनको नज़र आना शुरू हो गई थी। वो नज़ारा देखकर वो इतना डर गई थी कि वीडियो शेकी हो जाती है उस मोमेंट पर। लेकिन अगर आप गौर से देखने की कोशिश करोगे तो कॉरिडोर के एंड की तरफ से एक ब्लैक शैडोलेस फिगर अपीयर हो जाती है एंड टकर के लिए वो रात एक नाइटमेयर भी वो चीज़ बना देती है। लेकिन आप लोगों के क्या विचार हैं इस वीडियो के ऊपर? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मोस्ट बेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट फेस्टिवल IPL चल रहा है और आपके पास मौका है कि आप यहाँ से पैसे भी कमा सकते हो। एंड्रू रसल तक इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको बस इसमें प्रिडिक्ट करना है कि कौन मैच जीतेगा। इवन आप इसमें बॉल्स ओवर पे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने रन्स जाएंगे। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल, कबड्डी, सेक्टर जैसी गेम्स पे भी आप प्रिडिक्ट करके मनी अर्न कर सकते हो। इवन यहाँ पर आप मैच को भी देख सकते हो। मोस्ट बैट में आप इंस्टेंटली डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं जीपे, फोन पे, पेटीएम, एक्सेट्रा के थ्रू। इसमें आपको कैसीनो गेम्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे लाइक एविएटर, लाइव कैसीनो, एक्सेट्रा। करोड़ों लोग मोस्ट बैट पे खेल रहे हैं और पैसे जीत रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, साइन अप करें एंड यूज करें मेरा प्रोमो कोड हैप्पी और पाए मोटर बाइक, लकी ड्रॉ गिफ्ट, साइन मर्चेंट टी-शर्ट एक्सेट्रा जीतने का मौका भी। लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट विद आंद्रे रसल एंड मोस्ट बेट एंड जीते एक्साइटिंग प्राइजेस भी। नंबर थ्री, हॉरर ऑफ हॉन्टिंग्स। इस वीडियो को कुरोशिरो नाम के एक पर्सन ने रिकॉर्ड किया था जो एक काफ़ी फेमस पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर हैं। ये एक्सप्लोरर जापान के किसी अबैंडन एंड हॉन्टेड जगह में गए हुए थे जहाँ पर माना जाता है कि कुछ रियल डीमंस एंड हॉन्टेड फिगर्स उस प्लेस को इतना ज़्यादा हॉन्ट करती हैं कि कोई एक बार उस जगह में चला जाए तो उसका वापस आ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड ऐसा ही कुछ होता है कुरोशिरो नाम के इस पर्सन के साथ में। एंड जब ये पर्सन जस्ट एंटर ही हुए थे उस बिल्डिंग में, उस वक्त उनके कैमरा में ऑलरेडी एक मिस्ट्री सी अपैरिशन कैप्चर हो गई थी जो कि उन्होंने नोटिस नहीं करी थी, लेकिन उनके कैमरा ने जरूर वो बखूबी नोटिस कर ली थी। इस घटना के बाद वो एकदम अनजान होकर कि कोई उनके ऊपर नजर बनाए हुए खड़ा है, वो उस बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं। एंड देन ऑल्सो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उनके साथ हुई थी वो बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल लगती है। マジかよ。え、やっぱ誰かいるんじゃないかな。え、あー、こういうパターン。うん、待って。ね。
सबसे पहले तो उन्हें स्केरी मूवमेंट साउंड्स उनके हर जगह से आने लग जाती हैं उस बिल्डिंग में एंटर होने के बाद ही। लेकिन इनका ये हॉन्टेड सिलसिला इधर ही ख़त्म नहीं हुआ था। अगेन वैसी ही एक मिस्ट्री फिगर जो उन्हें स्टार्टिंग में दिखाई दी थी उन्हें इस जगह से घूरती हुई फिर से नज़र आ जाती है। तो क्या कुरोशिरो सच में मल्टीपल स्पिरिट्स के बीच में घिरे हुए थे जैसा कि लोग मानते भी हैं? अपने विचार भी जरूर प्रकट कीजिएगा। नंबर 7, फेस टू फेस फियर। इस वीडियो क्लिप को पेंट आइस नाम के एक पर्सन ने शूट किया था अपने घर के अंदर से ही जब उनके यहाँ लाइट गई हुई थी। एंड इनकी इस वीडियो में आने वाले राइट साइड वाले विंडो पर जरूर नजर बना के रखना बिकॉज इस वीडियो का सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग नजारा वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। क्या वो देख पाए? अचानक उनकी इस विंडो में एक पेल ग्रे सा फेस दिखाई देता है जिसको वो नोटिस करके चौंक जाते हैं। लेकिन उन्हें यही विंडो नेक्स्ट फ्रेम तक एकदम क्लियर होती हुई भी नजर आ गई थी, मानो जैसे वहां पर कोई था ही नहीं फर्स्ट प्लेस में। तो आपके हिसाब से क्या कोई रियल एविल स्पिरिट इनके ऊपर नजर रखने के लिए आई हुई थी या फिर दिस क्लिप इज क्वाइट एक्सप्लेनेबल? अपने ख्याल भी जरूर प्रकट करना कमेंट्स के थ्रू। नंबर 4, द प्लेफुल नाइटमेयर्स। इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें आप देखने वाले हो श्योरली वैसा कुछ आपने पहले नहीं देखा होगा। दीज क्लिप्स आर गोइंग टू बी सुपर स्केरी, तो बी रेडी। रिसेंटली एक टिकटॉक यूजर ने अपने अकाउंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हॉरर एंड पैरानॉर्मल से रिलेटेड वीडियोज़ को पोस्ट किया था जिसके अंदर उनके मुताबिक जब से उन्होंने अपने घर में एक ओइजा बोर्ड सेशन किया है तब से उनकी डॉटर की एक डॉल के अंदर एक डिमोनिक स्पिरिट आ गई है जो उनके घर को इतना ओवरपावर करने लग गई थी जिसकी वजह से ऐसी चीजें उन्हें देखने को मिलती रहती थी। Like the weird stuff started when I got her out, right? So like I think I just need to, you know, put her back. Do I just get rid of her? ना किसी साउंड का सोर्स, ना किसी ने उस ग्लास के ऊपर कुछ मारा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? अगली क्लिप में यही सेम पर्सन अपने एटिक का बल्ब चेंज करने चाहते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फ्लिकर कर रहा था जो सरप्राइजिंगली उन्होंने कुछ ही दिनों पहले चेंज किया भी था। बट एनीवेज जैसे ही वो अपने एटिक में गए तो वही हॉन्टेड डॉल भी संभव वहाँ पर आ चुकी थी। एंड जब उन्होंने उस बल्ब को चेंज किया तो वो फिर से उसी वक्त ख़राब भी हो गया था उसकी प्रेजेंस में। एंड एटिक का दरवाज़ा भी खुद से बंद हो जाता है कुछ इस मैनर में, मानो जैसे कोई उन्हें वहां पर ट्रैप करके रखना चाहता था। एंड वो अंधेरे में भी फंस कर रह जाते हैं उसी रात में। थर्ड क्लिप में आप देखोगे कि ये पर्सन अपने लिए बाथटब रेडी कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर भी इनका पीछा उस इनविजिबल चीज ने नहीं छोड़ा था। फोर्थ क्लिप के अंदर आप देखोगे कि ये पर्सन वापस एक ओइजा बोर्ड सेशन करता है उस स्पिरिट को थोड़ा बहुत शांत करने के लिए, लेकिन उसका उल्टा ही हो जाता है एकदम व्हेन ही ट्राइज टू डू दैट। Come on!
आई टोल्ड यू ये वाली स्टोरी एंड क्लिप्स काफ़ी क्रीपी होने वाली है, बट आप लोगों की क्या राय है इन वीडियोस के ऊपर। नंबर 5, द बैक रूम हॉरर। इस वीडियो को एक नाइट वर्कर ने रिकॉर्ड किया था जो एक पेट्रोल पंप के बैक एंड ऑपरेशन संभालते होते थे, स्पेशली एट नाइट टाइम्स। बट एक रात उन्हें ऐसा फील होता है अपनी जॉब के दौरान कि कोई उनके साथ में मौजूद है, एंड वो हमेशा की तरह अकेले बिल्कुल नहीं थे, एंड इसी वजह से वो एक रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड वीडियो में जो आया वो सच में बहुत टेरिफाइंग है, तो अपनी हॉरर डोज को अच्छे से सेटिस्फाई करने के लिए गौर से जरूर देखना ये पूरा एपिसोड। जस्ट सम बैकग्राउंड ऑन दिस area is the oldest part of the building and of course the area that gets the most activity, so I really hate going down here. It's really spooky and it's really cold all the time, so that's one of the alarms that was going off. What the fuck Oh, just doing my rounds, checking out the place. I was asked to document any spooky activity going on. I don't really know what's been happening lately, but what the fuck? Oh my! सबसे पहले इस पर्सन को अपने सामने से कुछ चीज़ें गिरने की साउंड आती है, एंड देन कुछ चीज़ें गिरती हुई भी दिखती हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा तब डर जाते हैं जब इनको अपने बैक रूम एरिया में से एक स्टिल एंड होल ब्लैक सिलुएट से फिगर खड़ी हुई दिखाई देती है, विच इज़ जस्ट एब्सोल्युटली चिलिंग। इन घटनाओं के बाद इन्होंने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी इन सब बुरी यादों को भुलाने के लिए, एंड इन्होंने उस रीस्टार्ट के लिए अपने दोस्त जोनी को भी बुलाया हुआ था ताकि उनका डर थोड़ा बहुत कम हो पाए। लेकिन जब वो फिर से एक एरिया में काम कर रहे थे अपनी उसी पेट्रोल पंप वाली बिल्डिंग के बैक रूम में, तब वहां के सारे डोर्स अपने आप शट डाउन हो गए थे, एंड उनका दोस्त भी अचानक गायब हो गया था, मानो जैसे वो कभी उनके साथ में था ही नहीं। These doors can't be opened from the outside. Yeah, let me check this door right here. This is clearly locked. See, Johnny ain't trying to play tonight. Johnny, where are you? What the fuck? जो चीजें मैंने आपको पहले बताई थी वो तो हुई इनके साथ में, लेकिन लास्ट वीडियो के एंडिंग सेक्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो उधर एक चाइल्ड की ब्लैक शैडो फिगर खड़ी हुई दिखाई देती है जो किसी ईविल बेबी स्पिरिट जैसी लग रही थी, एंड वो स्केरी सी शैडो फिगर इनके कैमरा के अंदर तो कैप्चर हो ही गई थी जैसा हमने देखा, लेकिन उन्होंने लाइव भी नोटिस किया था, दैट इज़ वाई वो इतना ज़्यादा शॉक हो गए थे। बट ऑब्वियसली आप लोगों के क्या विचार हैं इन वीडियोज़ के ऊपर। नंबर 6, द लोकी सुपरनैचुरल। इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को सोलो परफॉर्म किया था द हॉन्टेड साइड नाम के एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले पर्सन ने, जो कि एक हॉन्टेड एंड अबेंडेंट स्पेस में गए हुए थे जिसको उनकी लोकल अर्बन लेजेंड टेल्स के अंदर पैरानॉर्मल चीज़ों एंड स्पिरिट्स का एक हब बताया जाता आ रहा है काफ़ी समय से। जो चीज़ें इस इन्वेस्टिगेटर के साथ हुई भी हैं वो श्योरली काफ़ी सटल सी तो थी, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे एंड ध्यान से नोटिस करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली कर पाओगे। Oh, that I do have a spirit box running already. But yeah, as you come in, there's definitely a vibe in here though. Like there's definitely some feelings going on. So I've got like a little nerve center set up right here. And when you come through here, a lot of dust. Okay, so this looks like it used to be like part of the like restaurant area, and then the bar is actually back over there. But I set up a rim pod. The spirit box is over there with the Tesla coil, and then there's another rim pod right here. Whoa, right here. Whoa, what the hell was that? What the hell was that?
सबसे पहले इनको अपने आसपास से एक सटल सी बैंग साउंड आती है एंड देन अचानक उनको एक अननोन विस्पर नॉइस भी सुनाई देती है। बट ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ था। इन घटनाओं के थोड़ी देर बाद ही इस पर्सन ने जो स्पिरिट बॉक्स रैम पॉड इंस्टॉल किया हुआ था वो कुछ इस टाइप से सिग्नल्स देना शुरू कर देता है मानो जैसे कोई अनजान स्पिरिट बिल्कुल उनके सामने ही मौजूद थी। एंड सबसे खौफनाक बात तो ये है कि ये बात भी सच थी एकदम। तो इस क्लिप को भी गौर से जरूर देखिएगा। वाओ, ओह, मोर हिट्स हियर। कैन यू गो फ्रॉम दिस वन टू एंड कैन यू गो सिट बैक ओवर देयर और कैन यू मेक दैट वन गो ऑफ नाउ। Oh man. And that's like huge. Look at that. That's like a huge hit. Can you do that one more time, please? Oh my god, that's like almost on command. Whoa. 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 Thank you. क्या आपने वो देखा? उस रैम पॉड के ऐसे अग्रेसिव सिग्नल्स के बाद भी उस जगह के एक कॉर्नर से उनको एक स्केरी फेस पीक आउट करता हुआ नज़र आना शुरू हो जाता है जिसके हेयर्स भी काफ़ी क्रीपी मैनर में विजिबल थे। क्या ये पर्सन सच में कुछ ईविल स्पिरिट से डील कर रहा था या फिर एवरीथिंग वॉज एक्सप्लेनेबल? अपनी स्टोरी भी इस वीडियो के ऊपर जरूर शेयर कर। नंबर 7, स्टार्ट ऑफ पैरानॉर्मल। इस वीडियो को एक फैमिली गैदरिंग के दौरान रिकॉर्ड किया गया था एंड इस वीडियो को एक भाई ने रिकॉर्ड किया था उस वक्त पर जब उसकी फैमिली के आसपास के कुछ रिलेटिव्स उनके पेरेंट्स के घर आए हुए थे। जब ये लोग सभी अपना डिनर कर रहे थे इतने में ही रिकॉर्डर के सिस्टर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती है। उनको चक्कर आना से शुरू हो गए थे, उनको बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था एंड वो एकदम से इस कंडीशन में चली गई थी मानो जैसे कोई उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। सभी लोग उनको फटाफट रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं एंड जब सभी लोग एक जगह खड़े होकर उनके हालचाल को फिर से पूछ रहे थे एंड उनका ध्यान रखने की कोशिश कर रहे थे इतने में इस वीडियो के बैक साइड वाले रूम में जो इस रिकॉर्डर की सिस्टर का ही रूम था वहां पर एक एपरिशन खड़ी हुई नजर आना शुरू हो जाती है जो कि कुछ ही मोमेंट्स बाद थिन एयर में वैनिश हो गई थी। He just moved. I heard him say something. Yeah. Oh my god. Emily, don't worry. He just said something, that's all. No, I saw it. I saw it. What? Oh, fuck. Are you alright? No, there was a girl in a blue dress walking towards us. Where? From that room. Which room? क्या ये स्पिरिचुअल फिगर किसी रियल घोस्ट या इविल स्पिरिट की थी जो उनकी सिस्टर के ऊपर अपना कंट्रोल बनाना चाहती थी या फिर इस पूरी फैमिली का घर ही इतना ज़्यादा हॉन्टेड था कि ये सब चीज़ें नॉर्मल थी उनके लिए।